नमस्कार दोस्तों, मैं इंशुल, मैं आप सभी का अपने चैनल टेक एंड टारगेट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप सभी को दो जॉब अपॉर्चुनिटीज का अपडेट देने वाला हूं। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको पहले ही अपडेट कर दूं, इनमें से दोस्तों एक जॉब अपॉर्चुनिटी ऐसी है जिसमें दोस्तों सारी ब्रांचेस एलिजिबल होने वाली है, दैट इज मैकेनिकल, सिविल, ईसी, ट्रिपल ई, सीएससी, केमिकल ब्रांच, हर एक ब्रांच दोस्तों एलिजिबल होने वाली है। साथ ही साथ दोस्तों एक अपडेट और है, अगर आप हमारे चैनल टेक एंड टारगेट पर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो दोस्तों एक बार हमारा चैनल जरूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हम अपने चैनल पर डेली बेसिस पर जॉब अपडेट्स, इंटर्नशिप अपडेट्स और फ्री कोर्सेज का अपडेट देते रहते हैं। साथ ही साथ दोस्तों दो हमारे टेलीग्राम के चैनल हैं, दोनों हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों वहां भी आपको डेली बेसिस पर जॉब अपडेट्स और इंटर्नशिप अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो दोस्तों अब मैं आप सभी को अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और इन दोनों ही जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में इन डिटेल बताता हूं। तो दोस्तों एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपको डेली बेसिस पर रोजाना कम से कम नहीं तो दोस्तों 4 से 5 जॉब अपॉर्चुनिटी टेक एंड टारगेट की वजह से मिल रही है। तो दोस्तों पहली जॉब अपॉर्चुनिटी बता देता हूं, जो कि दोस्तों 2019 और 2020 बैच के लिए होने वाली है, जैसा कि आप देख सकते हो। और दोस्तों ये जॉब अपॉर्चुनिटी पोस्ट की गई है 5 जून को। तो बात करते हैं दोस्तों, अगर आपको इसकी कंपनी के बारे में पढ़ना है तो आप इस कंपनी के बारे में पढ़ सकते हो। बाकी दोस्तों अगर आपको इन डिटेल जानना है तो आप गूगल कर सकते हो, लिंक्डइन पर इनके एम्प्लॉयज से भी दोस्तों आप बात कर सकते हो। बात करते हैं दोस्तों, इसमें जो पोजीशन है वो ट्रेनी प्रोग्रामर रहने वाली है। कंपेंसेशन दोस्तों 3 लाख तक का आपको पैकेज मिलने वाला है, साथ ही साथ दोस्तों बेनिफिट्स। अब दोस्तों आप सभी सोच रहे होंगे कि पैकेज बहुत कम है, बट यार मेरे पास ऐसे ऐसे कैंडिडेट्स के मैसेज आ रहे हैं कि सर हमारी अभी तक जॉब नहीं लगी है, हमें सर कोई भी पैकेज पर हम जॉब करने को रेडी है। तो दोस्तों ये जॉब उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो जॉब के लिए ढूंढ रहे हैं इधर से उधर। बाकी बात करते हैं दोस्तों रिक्वायरमेंट डिटेल्स की, तो बीई बीटेक के स्टूडेंट्स इसके लिए एलिजिबल हैं। साथ ही साथ दोस्तों सीएस आईटी और ईसीई ब्रांच के स्टूडेंट्स इसके लिए एलिजिबल होने वाले हैं। एमसीए स्टूडेंट्स इसके लिए एलिजिबल हैं और 2019 और 2020 पास आउट होने चाहिए। मस्ट हैव 60% अबव मार्क्स इन क्लास 10, 12th एंड ग्रेजुएशन। Priority will be given to the candidates who have undergone IT training courses, done real-time projects in any programming language like Java or .NET. तो दोस्तों अगर आपने कोई भी ट्रेनिंग कर रखी है या फिर कोई भी प्रोजेक्ट्स कर रखे हैं तो दोस्तों आपको प्रायोरिटी मिलने वाली है। बाकी दोस्तों डिस्टेंस एजुकेशन बेस्ड क्वालिफिकेशन विल नॉट बी कंसीडर्ड। तो दोस्तों अगर आपने डिस्टेंस एजुकेशन कर रखी है तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपको प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी। नो स्टैंडिंग एरिया बैक पेपर्स एज ऑन डेट। तो दोस्तों आपकी कोई भी बैकलॉग नहीं होनी चाहिए जब आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हो। ओनली सूटेबल कैंडिडेट्स हु मैच ऑन द अबव क्राइटेरिया विल बी इन्वाइटेड फॉर द ऑनलाइन टेस्ट। ऑनलाइन टेस्ट लिंक विल बी शेयर टू द शॉर्टलिस्टेड एप्लीकेंट्स टू टेक द असेसमेंट्स। बाकी दोस्तों है टर्म्स एंड कंडीशन है कि 3 साल का दोस्तों आपको बॉन्ड होने वाला है, और अगर आप बॉन्ड में कोई भी डैमेज कॉज करते हो तो दोस्तों आपको 2 लाख रुपीज सबमिट करने पड़ेंगे। रिक्वायरमेंट की बात करता हूँ, मिनिमम एक्सपीरियंस शुड बी स्ट्रॉन्ग इन बेसिक प्रोग्रामिंग स्किल्स, और दोस्तों कोई भी लैंग्वेज चलने वाली है, सी, सी प्लस प्लस, पाइथन, जावा। गुड इन कम्युनिकेशन, इंटरेस्टेड टू लर्न न्यू टेक्नोलॉजीज। नो स्टैंडिंग एरियाज अप टू करेंट सेमेस्टर। विलिंग टू साइन अ बॉन्ड विद कंपनी फॉर 2 ईयर पीरियड। तो दोस्तों 3 साल का नहीं है, 2 साल का आपका बॉन्ड होने वाला है। एटलीस्ट सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करता हूँ तो दोस्तों ऑनलाइन टेस्ट, प्रोग्रामिंग टेस्ट फॉलोड बाय टेक्निकल इंटरव्यू एंड मैनेजरियल कम एचआर डिस्कशन। तो दोस्तों ये आपका पूरा प्रोसीजर रहने वाला है। हम आई एम इंटरेस्टेड पर क्लिक कर देंगे और दोस्तों यहाँ हमें सबसे पहले अपना रिज्यूमे अपलोड करना है। तो आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने कोई ट्रेनिंग कर रखी है या फिर अगर आपने रियल टाइम प्रोजेक्ट्स कर रखे हैं जावा या फिर .NET पर या फिर और भी कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर, तो उसको अपने रिज्यूमे पर जरूर मेंशन कीजिएगा, क्योंकि आपको प्रायोरिटी मिलने वाली है। दोस्तों बेसिक इन्फॉर्मेशन में फुल नेम, लास्ट नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर, एड्रेस इन्फॉर्मेशन, सिटी, स्टेट, जिप कोड। बाकी दोस्तों आपको मिलने वाला है कंट्री, आपको प्रोफेशनल डिटेल्स, स्किल आप भर दीजिएगा, आपको पाइथन जावा कौन सी लैंग्वेज आती है, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है, टोटल ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। अगर दोस्तों एक्सपीरियंस नहीं है तो आप NA भी भर सकते हो, पर क्योंकि दोस्तों 2019 और 20 एलिजिबल है। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपने कोई ट्रेनिंग कर रखी है तो आपने 6 महीने किया तो आप उसके बारे में मेंशन कर सकते हो। बाकी दोस्तों ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको भरनी है। अब दोस्तों आपको सेकंड जॉब अपॉर्चुनिटी बता दूं, उससे पहले यार मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर ये आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों सेकंड जॉब अपॉर्चुनिटी में जो आपकी लोकेशन रहने वाली है, लोकेशन तो दोस्तों इन लोगों ने यहाँ एसेट मेंशन नहीं कर रखी, बट पहली जॉब की दोस्तों लोकेशन मैं बता दूं चेन्नई होने वाली है। और सेकंड जॉब अपॉर्चुनिटी की दोस्तों जो प्रोफाइल है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ट्रेनी है। कंपनी के बारे में दोस्तों आप रीड कर ही सकते हो। रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज के बारे में मैं आपको बता दूं,
As a fresher, always keen to learn, expected to write clean and well designed code after completion of training. तो दोस्तों training के बाद आपसे expect किया जाएगा कि आप proper coding कर सको. Take the initiative to develop and deploy new features to facilitate related procedures and tool if necessary. Should be flexible and share thoughts with the team members. Key skills also है HTML5, CSS.php, Python, JavaScript, Java और सब. तो दोस्तों कहीं ना कहीं फ्रंट एंड का भी आपको काम मिलने वाला है, क्योंकि हम अगर रिक्वायरमेंट देखते हैं तो HTML5, CSS, PHP, Python की रिक्वायरमेंट है. और इसमें एलिजिबल दोस्तों BSc, BCA, MCA, BE, BTech 2020 एंड 2021 एलिजिबल है. और दोस्तों कोई भी ब्रांच मेंशन नहीं दे रखी, मींस दोस्तों सारी की सारी ब्रांचेस मेंशन होने वाली है. सिस्टम एंड ब्रॉडबैंड कनेक्शन नीड टू बी अवेलेबल, मींस दोस्तों आपके यहाँ प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए. रिमोट इंटरव्यू प्रोसेस, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट रिक्वायर्ड, वर्चुअल मीटिंग्स. और दोस्तों सैलरी आपकी 13,000 से 25,000 तक पैकेज मिल सकता है, मीन्स कहीं ना कहीं दोस्तों आपको 3.5 लाख तक का इसमें आपको पैकेज मिल सकता है. तो दोस्तों अगर ये आपको दोनों ही अपॉर्चुनिटीज अच्छी लगी हो, साथ ही साथ दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा. और दोस्तों जितना हो सके इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, जूनियर भाई बहनों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा. तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मैं जल्दी मिलता हूं अपनी नई वीडियो में अपने नए टेक अपडेट के साथ. जब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद.